हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं ये हुंडई की i10 है, 2013 का मॉडल है, पेट्रोल कार है। इसका ना कंप्रेसर लीकेज हो गया है, तो इस वजह से हम इसका कंप्रेसर को बनाएंगे। तो चलो फिर मैं सबसे पहले आपको बाहर दिखा देता हूँ कि कहाँ से लीकेज हुआ है और क्या लीकेज हुआ है। तो चलो फिर मैं आपको बाहर दिखा रहा हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, लो वाला प्रेशर लगा के रखा हूँ एडेप्टर, और नाइट्रोजन का प्रेशर मारा हूँ, 250 और 200 के ऊपर प्रेशर है। और ये रही नाइट्रोजन का बाटला, और कंप्रेसर लीकेज देख रहे हैं आप, यहाँ से तो नहीं दिख रहा है साफ, नीचे से दिखा दे रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कंप्रेसर लीकेज हो गया है, आगे और पीछे दोनों ओरिंग लीकेज है। इधर का भी देख पा रहे हैं आप, बुरबुरे आ रहे हैं जैसा कि देख पा रहे हैं। तो इस वजह से हम इसका कंप्रेसर खोलेंगे। तो चलो फिर मैं खोल के आपको बाहर लेके दिखाता हूँ। तो कंप्रेसर खोलने के लिए आपको सबसे पहले बेल्ट निकालना पड़ेगा। बेल्ट निकालने के लिए ये अल्टरनेटर का जो बोल्ट है 12 नंबर, तो कंप्रेसर खोलने के लिए सबसे पहले आपको ये दोनों पाइप निकालना पड़ेगा, और ये अल्टरनेटर का बोल्ट खोलना पड़ेगा। पहले बेल्ट निकलेगा और ये दोनों पाइप निकालना पड़ेगा, जैसा कि देख पा रहे ये वाली पाइप। फिर चलो मैं सब देख, जैसा कि देख पा रहे हैं खोल दिया हूँ। चलो फिर मैं बोल्ट, चारों बोल्ट खोल के फिर बाहर लेकर फिर आपको आगे दिखाता हूँ। ये आप देख पा रहे हैं कंप्रेसर फाइनली खुल चुका है, मैं इसको बाहर ले लेता हूँ। चलो बाहर लेके फिर मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं आप, कंप्रेसर बाहर निकल चुका है अपना, देख पा रहे हैं ये रही इसका कंप्रेसर। तो चलो फिर मैं इसका सब पार्ट, क्लच, पुली, कॉइल खोलता हूँ, खोल के फिर आगे आपको दिखाता हूँ। फाइनली मैं इसका क्लच, पुली, कॉइल खोल चुका हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये रही पुली, ये रही क्लच, ये रही कॉइल। तो ये लॉक रहता है, ये वाली लॉक रहता है दो। तो ये सब खोल जाऊँ, फिर मैं ये पाँचों बोल्ट खोल के फिर आगे अंदर का आपको दिखाता हूँ। तो चलो फिर मैं खोलने के लिए लग जाता हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं फाइनली मैं इसको खोल चुका हूँ, और इसको निकाल देता हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं अंदर का पार्ट्स कैसा दिख रहा है, ये रही इसका ओरिंग, ये ओरिंग अपने को चेंज करने का है, चेंज करके हो जाएगा। तो चलो फिर मैं इसका आपको जूना वाला नया वाला ओरिंग दिखा देता हूँ कैसा है। तो चलो फिर ओरिंग दिखा देता हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं ये वाली है इसका ओरिंग। तो चलो फिर मैं ये ओरिंग चेंज करके फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं मैं फाइनली फिट कर चुका हूँ ऊपर का ओरिंग। जैसा कि देख पा रहे हैं आप ओरिंग कैसा दिख रहा है, बारीक वाला ओरिंग है। तो चलो फिर मैं इसको फिटिंग, पूरा फाइनली फिटिंग करके फिर आगे मैं आपको दिखाता हूँ। हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं मैं फाइनली कंप्रेसर को प्रॉपर तरीके से फिट कर दिया, ओरिंग वगैरह चेंज करके। जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से क्लच, पुली, कॉइल सब बैठा चुका हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से फिट हो चुका है। तो चलो मैं कंप्रेसर फिटिंग करके फिर आगे आपको, जैसा कि देख पा रहे हैं आप फाइनली मैं कंप्रेसर गाड़ी में फिट कर चुका हूँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और मैं इसमें प्रेशर भी मारा हूँ जैसा कि देख पा रहे हैं, लो वाला एडजस्टर लगा के रखा हूँ, नाइट्रोजन का प्रेशर 200 के और लगभग ऊपर मार चुका हूँ। तो और मैं इसमें पार्ट टेस्ट मार के आपको दिखा देता हूँ लीकेज है क्या नहीं। जैसा कि देख पा रहे हैं मैं टेस्ट मार रहा हूँ, इसमें साबुन पानी मार रहा हूँ, जैसा कि देख पा रहे हैं लीकेज नहीं हो रहा है, यानी प्रॉपर तरीके से ओरिंग फिट हो चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं जरा सा भी लीक नहीं है कहीं से। और पीछे वाला बैक प्लेट भी दिखा देता हूँ, बैक प्लेट की तरफ से जैसा कि देख पा रहे हैं लीकेज नहीं है कहीं से भी, देख पा रहे हैं कहीं से भी लीकेज नहीं है। तो चलो मैं सब फिटिंग करके, ये सब कुछ बेल्ट वगैरह लगा करके फिटिंग करके फिर मैं आगे आपको दिखाऊंगा। तो चलो फिर मैं अपना काम करने के लिए, फिटिंग करने के लिए लग जाता हूँ, सब फिटिंग करके फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं फाइनली बेल्ट वगैरह सब लगा दिया हूँ मैं, और नाइट्रोजन का प्रेशर अपना होल्ड में है, मैं प्रेशर छोड़ देता हूँ। प्रेशर छोड़ के फिर मैं वैक्यूम में लगा के फिर आपको आगे दिखाता हूँ।
हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे वैक्यूम में गाड़ी लग चुकी है अपनी। जैसा कि देख पा रहे सिस्टम वैक्यूम में हो चुका है और वैक्यूम हो रहा है। अभी 13 मिनट का होल्डिंग टाइम है, 13 मिनट पंप ऑन रहेगा, तो उसके बाद फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ एसी गैस वगैरह मार के। तो फाइनली देख पा रहे हैं सब कुछ फिटिंग हो चुका है और इतना वैक्यूम में लगाया था, वैक्यूम भी कंप्लीट हो चुका है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो चलो फिर मैं इसको गैस चार्जिंग को थोड़ा ऑयल मार देता हूँ और गैस चार्जिंग कर देता हूँ। 50 ml ऑयल मार दिया हूँ और गैस चार्जिंग को दे देता हूँ। 450 ग्राम गैस मारता हूँ, 400 ग्राम गैस मार देता हूँ इसमें। गैस मार दिया जैसा कि देख पा रहे हैं, गैस फिल हो चुका है। तो चलो फिर मैं आपको अंदर जाके दिखा। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं मैं गाड़ी के अंदर आ चुका हूं और अपनी गाड़ी अभी चालू पोजीशन में जैसा कि देख पा रहे हैं, और एसी मैं चालू रखा हूं। कूलिंग टेम्परेचर आप देख लीजिए, फाइव पॉइंट टू अभी ट्रिप मार दिया कंप्रेसर। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया बाहर कंप्रेसर रिपेयर करके, यानी कंप्रेसर लीक हो गया था तो उसका ओरिंग चेंज करके मैंने आपको दिखाया। तो आपके गाड़ी में भी अगर कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम अगर हो रहा है तो आप भी एक बार रिपेयर करवाने की कोशिश कीजिएगा, या फिर अगर आप काम करते हैं तो करने की कोशिश कीजिएगा। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया सब सिस्टम कैसे कैसे मैंने किया, ओरिंग चेंज रिपेयर हो जाता है, ओरिंग चेंज हो जाता है कोई को क्या कहता है, या फिर कहीं लेके जाएंगे तो डायरेक्ट नया डलवाने की कोशिश करवाता है। तो एक बार रिपेयर करके देखिए, या फिर काम कर रहे हैं तो आप करके देखिए, या फिर काम करवा रहे हैं तो आप उससे करवा करके एक बार देख ले चलता है क्या नहीं, क्योंकि सिस्टम प्रॉपर था, कुछ ये हुआ नहीं था, सिस्टम में कोई भी फॉल्ट नहीं था। इस वजह से मैंने कंप्रेसर का ओरिंग चेंज करके सिस्टम पूरा अभी प्रॉपर हो चुका है। तो जब सब, और मैं एक चीज आपको हीटिंग टेम्परेचर भी इसका दिखा देता हूँ, हीटर हाई किया हूँ और हीटिंग टेम्परेचर आप देख रहे हैं, बढ़ रहा है, जरा एडजस्ट करता हूँ क्योंकि मैं आगे रेडिएटर कंडेंसर पे पानी मारा हूं। जैसा कि देख पा रहे हैं हीटिंग टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीटिंग टेम्परेचर भी प्रॉपर है, सब प्रॉपर चल रहा है इसका। तो मैं वापस से कूलिंग पे ले रहा हूँ। तो मैंने सब कुछ आपको लाइव दिखाया कैसे मैंने किया, कैसे बनाया। तो आप अगर इस कार के एयर कंडीशन सिस्टम से इंटरेस्टेड हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं, अपना राय दें। जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो सही से वीडियो बन रही या नहीं, मैं समझा रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा है क्या नहीं, तो प्लीज कमेंट करके बताएंगे तो ही मुझे समझ में आएगा कि मैं वीडियो कहाँ पे हूँ, कैसा बना रहा हूँ या कुछ भी डाल दे रहा हूँ। तो आप मेरे चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो फिर, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।